फाइनली आपको बता दें कि ये बेहद ही जानी मानी अभिनेत्री पकड़ी गई हैं ड्रग्स लेते हुए, वो भी रंगे हाथों पकड़ी गई हैं ड्रग्स लेते हुए। कौन है वो, कब पकड़ी गई, क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए मैं आपको बताऊंगी पूरे मामले के बारे में इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग एंगल जब से आया है तब से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री बिल्कुल हिल सी गई है। और आपको ऐसे में बता दें कि हर एक अभिनेत्री, आपको बता दें, कहीं ना कहीं ड्रग मामले में फंसती ही चली जा रही है। ऐसे में आपने जाना होगा दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत, श्रद्धा कपूर और तमाम एक्ट्रेसेस, यहां तक कि सारा अली खान भी ड्रग्स केस को लेकर काफी बार फंसती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में इन सभी का पूछताछ हो चुका है। अब आपको बता दें कि एक जानी मानी अभिनेत्री यानी कि प्रतिका चौहान अब पकड़ी गई है, आपको बता दें कि ड्रग मामले में, वो भी रंगे हाथों। पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों ड्रग खरीदते हुए पकड़ लिया है। वेल, आपको बता दें कि वह बिल्कुल सादे कपड़े में गई थी ड्रग्स लेने के लिए ताकि किसी के नजरों में ना पाए। ऐसे में एनसीबी ने अब फिलहाल उन्हें पकड़कर एनसीबी की पूछताछ अब कर रही है। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है और अब एनसीबी की जांच जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि प्रतिका को आपने देवों के देव महादेव में देखा होगा, सावधान इंडिया में देखा है। तो ये जानी मानी अभिनेत्री अब ड्रग मामले में फंस चुकी हैं। अब फिलहाल एनसीबी कर रही है इनसे पूछताछ। अब ये तो मामला फिलहाल एनसीबी के हाथों में चला गया है। अब ये देखना बनता है कि आखिर कब तक इन्हें मिलेगी जमानत या फिर ये काटेंगी जेल में ही अपनी टाइम को। वेल, आप भी बताइए क्या है आपकी राय ड्रग्स एंगल को लेकर, जरूर कमेंट करें हमारे कमेंट सेक्शन में। और तमाम बॉलीवुड खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।